है, इसमें कई काफी वर्षों से इसका इंतजार था, लेकिन एक शुरुआती पहल अच्छी हुई है। आगे क्या कार्य योजना है और कितनी बड़ी उपलब्धियां पाना चाहते हैं? आज शिक्षक दिवस के मौके पे ये अभियान का चयन किया गया है कि शिक्षण संस्थानों के आसपास जहां भी 100 यार्ड की परिमीटर में कोई भी अगर ऐसी दुकान है जो तंबाकू बेचती है तो उसको बंद कराया जा सके, जुर्माना लगवाया जा सके। शिक्षक क्योंकि अच्छी बात सिखाते हैं, इसीलिए आज के दिन का चयन किया गया, शिक्षण संस्थानों का चयन किया गया है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि हर महीने हम लोग अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये अभियान हर मंथ के पहले सप्ताह में हम लोग चलाएंगे। अगले महीने जो अभियान चलाने की जो तय हुई है वो हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, अस्पताल हैं, उनके बारे में तय हुआ है। इसी प्रकार से हर महीने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोग मंथ के पहले वीक में स्पेशल जागरूकता का एक दिन का कैंप चलाएंगे। वैसे तो जो अधिकारी हैं उनको पूरे महीने ही ये कार्य करना चाहिए, इसीलिए उनको आज रिसीट बुक भी डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई है। जिनके पास भी रिसीट बुक नहीं थी सबको उपलब्ध कराई गई है कि ये कार्य पूरे महीने भी चलाते रहे और आप लोग कभी भी इसको रिसीट पे जुर्माना काट के इसको डिपॉजिट करा सकते हैं। आज का जो अभियान चला है इसका फीडबैक भी शाम को लिया जाएगा। 13 टीम बना के आज रवाना की गई है, वो सारी टीमें सभी शिक्षण संस्थानों को चेक करेंगे। इसी तरह ये अभियान फिर आगे कंटिन्यू रहेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको हर महीने स्ट्रीमलाइन करके रेगुलर रूटीन में ही लिया जाए और अभियान केवल एक दिन का रखें, बाकी 29 दिन रूटीन की कार्रवाइयाँ हों ताकि लोगों को जागरूकता फैले और लोगों में ये अवेयरनेस आए कि ऐसी दुकानें ऐसे इंस्टीट्यूशंस के पास बैन है जिनके बारे में एक्ट में उल्लेख किया गया। नियमों की अवहेलना करने वालों पर किस तरह की कार्रवाई संभव है? जुर्माना लगाने का प्रावधान है, साथ ही साथ इनका जो सामान होता है वो जब्त करने का प्रावधान है और रिपीटेड अगर फेल्योर होती है, रिपीटेड बाद में अगर वे लोग ऐसी चीज़ें करते हैं तो प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ भी की जा सकती हैं।